सेलीन तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? सेलीन, दमीर साहब से बात की तुमने? ऐदा बस करो, तुम इसका हाल नहीं देख रही। लगता है इसे सदमा पहुंचा है, बोल क्यों नहीं रही है? सेलीन, तुम्हें हमारी आवाज आ रही है? सेलीन कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। हुआ क्या है सेलीन? सेलीन, दमीर साहब ने गुस्से से कमरे से निकाल दिया। सेलीन संभालो खुद को। सेलीन मेरी तरफ देखो। मैंने इससे कहा भी था कि मत जाओ, और दमीर साहब ने इसे अपने कमरे से निकाल दिया। बुरा रुको, अंदर मत जाओ, संभालो, ये मुनासिब बात सुनो। इसे क्या हो गया अचानक? सेलीन, सेलीन, ठीक हो ना तुम? उसने कहा क्या तुमसे? प्लीज कुछ बात करो, बोलो। यहां से ले चलता हूं तुम्हें। सेलीन तुम्हें क्या हुआ है? सेलीन, सेलीन, ओह शुक्र है, ये बुरा ख्वाब था। दमीर, बुराक, लेटी रहो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें दवाई दी है, हो सकता है चक्कर आए तुम्हें। कैसी दवाई, क्या हुआ है? जब कंपनी के बाहर तुम बेहोश हो गई थी तो तुम्हें मैं हॉस्पिटल ले गया था। लेकिन वो बुरा ख्वाब था, क्या सब सच था? दमीर, दमीर कहाँ? सेलीन तुम अभी भी दमीर के बारे में पूछ रही हो? वो जहां भी हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने ऐसा क्या कहा तुमसे कि तुम बेहोश हो गई? दमीर से बात करना जरूरी है। सेलीन रुको, तुम्हें आराम की जरूरत है। सेलीन प्लीज लेट जाओ। अच्छा तो ये बताओ, तुम दोनों में से कौन जा रहा है? देखो मर, तुम्हारी सैलरी ज्यादा है, तुम रुको यहाँ। लेकिन बोरो, तुम्हारी फील्ड में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। देखो तुमने यहाँ मुझसे ज्यादा काम किया है, इसलिए तुम्हें रुकना चाहिए। तुम्हारी तो यहाँ कंपनसेशन भी ज्यादा होगी। कंपनसेशन के पैसे तुम्हें यहाँ से भी मिलेंगे बोरो। इन दोनों ने कंपनी के उसूल तोड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम दोनों को बात करनी होगी। लेकिन दमीर साहब ऑफिस से बाहर नहीं आए, शदीद गुस्से में है। हो सकता है कि उनका गुस्सा कम हो जाए। देखो दोस्तों, मैं पैसों के लिए कोई बात नहीं करूंगा, समझ गए? और तुम मेरी जान, तुम यहीं रुको, मैं अपना इस्तीफा उन्हें देकर आता हूं, ठीक है? ये सिलीन और बुर्रा कहां गए हैं? यास्मीन, सब लोगों का रिकॉर्ड रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्या आप बताएंगी कहां गए हैं वो? जी वो दमीर साहब थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं वो लोग। उन्हें फोन करके फौरन यहां बुलाएं। काम के वक्त में कोई ऑफिस से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है दमीर साहब, अभी कॉल करके बुलाती हूँ। ऐदा, यिल्दिरम साहब के होटल के काम की रिपोर्ट में अभी देखना चाहता हूँ। जी दमीर साहब, मैं अपना काम ले आऊंगी, लेकिन बाकी काम सिलीन के पास है और बाकी मॉडलिंग का काम बोरो संभाल रहा। क्या मैं जो आप लोगों से कह रहा हूँ वो किसी को समझ नहीं आ रहा है? रिपोर्ट देखना चाहता हूँ मैं, तमाम रिपोर्ट जमा करें और मेरे ऑफिस में लेकर आए। ठीक है। हम वापस ऑफिस नहीं आ सकते, सिलीन की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाकर ये दमीर साहब को भी बता दो। हमें क्या ऑफिस बुला रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे सिलीन, वैसे भी तुमने आज बहुत स्ट्रेस ले लिया, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ बुराक, मुझे कोई और मसला नहीं चाहिए। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता इस हाल में। मैं आराम करना चाहती हूँ बुराक, यूं जागना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा मत सोचो प्लीज। एक काम करो कि तुम कुछ खा लो सिलीन, अगर चाहो तो कॉफी बना देता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। सिलीन अब तो मुझे डरा रही हो, हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत थी तुम्हारी, तुम्हें आज तक मैंने इस तरह नहीं देखा था। तकलीफ हुई मेरी वजह से, माफी चाहती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही, मुझे कोई तकलीफ नहीं दी तुमने। अभी मैं अकेले रहकर आराम करना चाहती हूँ, ठीक है? मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अब ठीक हूँ मैं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आराम करूंगी तो मज़ीद ठीक हो जाऊंगी। मैं अब ठीक हूँ, मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। बुराक, जाओ ऑफिस। ठीक है, अगर इस तरह से ज्यादा सुकून मिलेगा तो। हाँ एक और बात, ये डॉक्टर ने दी है तुम्हें, इससे नींद आएगी। अगर जरूरत महसूस करो तो एक खा सकती हो, लेकिन खाना खाने के बाद खाना, सैंडविच रख दिया है। ठीक है, शुक्रिया। बस थोड़ा सब्र रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं दमीर के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं क्या फैसला किया होगा। इंशाल्लाह जो कुछ भी हो अच्छा ही फैसला किया हो। लेकिन अगर कोई खबर होती तो यास्मीन हमें फोन तो करती ना। नहीं, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, मैं बस फोन करने लगी हूँ, बस अब और सब्र नहीं हो रहा। ऐसा सोचना भी नहीं। अरे कोई फायदा नहीं होगा। मुकर्रम साहब, आप कब से यहाँ आके खड़े हुए, हमने तो आपको देखा ही नहीं। अभी तो आए हम। आप ये सब छोड़े और मुझे ये बताएं कि क्या फायदा नहीं होगा। वो दोनों बॉस की नजर में आ गए। दमीर साहब एक अच्छे इंसान है, वो पहले मुझे भी समझ में नहीं आते थे, फिर मैंने देखा वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपने काम में संजीदा हैं। वो इतने सख्त मिजाज होंगे मैं ये नहीं जानता। वाह दमीर वाह, सबको तकलीफ देने के साथ साथ अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है। आखिर तुम क्या कर रहे हो दमीर? और हम भी उसे जानते हैं, कितना अच्छा बच्चा है वो। हाँ। और ये भी जानते हैं कि उसे हरेक की कितनी परवाह होती है, यानी बहुत एहसास करने वाला, बहुत फिक्र करने वाला। समझ नहीं आ रहा वो इस तरह से क्यों पेश आ रहा है। बच्चों ने काफी गलतियां की हैं। हाँ। यकीनन फिर कोई मसला है। ऐसी क्या बात हो सकती है? दिल के जख्म जल्दी नहीं भरते लैला साहिबा, एक बार घाव लग जाए देर तक दुखन रहती है, चाहे मामूली सी बात क्यों ना हो।
तकलीफ तो रहती है, और फिर आप पूरी तरह से बदल कर नए इंसान में ढल जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि दमीर को इस तरह का कोई जख्म मिला है, इसी वजह से उसने कंपनी में रूल लगाया है? वाह दमीर बेटा, तुम्हारी मुश्किलें आसान हों। आ जाएं। आप मसरूफ तो नहीं हैं? आओ बैठो बोरो। मैंने और मर्व ने तय कर लिया है, और मैंने कंपनी से जाने का फैसला कर लिया है, और ये मेरा इस्तीफा है। उम्मीद है ये सबके लिए अच्छा होगा। बैठो थोड़ी देर, कुछ बात करनी है। बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। बैठ जाओ बोरो, प्लीज। तुम हमारे एक अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत हुनरमंद हो और समझदार भी हो। यतीम खाने वाले प्रोजेक्ट में तुम्हारा काम वाकई काबिल तारीफ था। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो तुम्हें फौरन काम पे रखने को तैयार होंगी। और हाँ, अगर तुम चाहो तो इंटरव्यू के दौरान मेरे रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका बहुत शुक्रिया दमीर साहब। कम अज कम जाते हुए मुझे मालूम हुआ कि आपको लोगों का एहसास तो है। मेरा ये फैसला तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये बात जानते हो ना तुम। ये उसूल और कायदे सिर्फ कंपनी को बेहतर बनाने के लिए हैं और कुछ नहीं। अगर आप दोबारा परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं तो ये साफ है कि परफॉर्मेंस मसला नहीं। तो फिर क्या है? हर नए बॉस की कोशिश होती है कि वो अपने इख्तदार का फायदा उठाए और अपने हिसाब से कंपनी चलाए। आपने भी यहाँ कुछ बेकार के उसूल बनाए और हमें उनको फॉलो करने के लिए मजबूर किया। तो इसीलिए आपने उसूल के खिलाफ जाने का फैसला किया। आपने भी तो जबरदस्ती की है। जिस दिन मैंने अपने प्यार को यहाँ पर प्रपोज किया, उसी दिन आपने हमें ये कंपनी छोड़कर जाने का कहा। मोहब्बत और नौकरी में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा। हमारे लिए नौकरी बहुत जरूरी थी क्योंकि इससे हम अपने घर चलाते हैं। तो पहले नौकरी को चुनना चाहिए था और फिर आप दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या आपको कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? उम्मीद करता हूं कि आपको भी कभी किसी से मोहब्बत होगी और आपको अपनी मोहब्बत या जिम्मेदारी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। उस दिन आपको अपना यह फैसला याद आएगा, फिर शायद इस फैसले पर पछतावा होगा आपको। लेकिन शायद फैसला करना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपका दिल पत्थर का है सर। शुक्र है बुराक के तुम वापस आ गए। सेलीन कहाँ है? दमीर ऑफिस में। हाँ ऑफिस में है, लेकिन बहुत गुस्से में है। मैंने कहा था तुमसे कि वो तुम्हारा पूछेंगे। बुराक क्या कर रहा है? रुको। सेलीन कैसी है बुराक? तुम्हें पता चला उसे क्या हुआ था? तुमने सेलीन से क्या कहा? मैं यहाँ आपसे किसी और एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ अगर अपने बारे में कोई फैसला किया है तो बताओ, सुन रहा हूँ। किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ आखिर मसला क्या है तुम? मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन लगता है कि आपके मसले खत्म नहीं हो रहे। पहले तो आप जाना चाहते थे और फिर आकर कहा कि काम करना चाहते हो, और इस वक्त भी खुश नहीं लग रहे तुम। हाँ अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो तुम भी लिखकर दे सकते हो। सही, चाहते यही हो तुम कि मैं इस्तीफा दे दूं और तुम सेलीन को आराम से परेशान कर सको यहाँ। सोच समझ कर बात करना मुझसे बुराक। ऐसा क्या कहा उससे कि वो बेहोश हो गई? अच्छा तो अब वो बेहोश हो गई, बहुत चला गया। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो होश में आना ही नहीं चाहती थी। हॉस्पिटल में काफी देर रही है वो। ऐसा क्या शौक दिया तुमने कि वो बेचारी अपनी आंखें तक खोलने से डर रही थी दमीर? तुमने उससे ऐसा क्या कहा था? सेलीन कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है, और हाँ मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम खुद पर काबू रखो। इस कंपनी के कुछ रूल्स हैं जो सबके लिए हैं, तो जाहिर है कि मैं तुम्हारे और सेलीन के कोई भी जज्बाती ड्रामे बर्दाश्त नहीं करूंगा यहाँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा इस कुर्सी पर बैठने वाले हो? ये टेबल, ये कमरा, ये आर्टिमम और यहां काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज, सब बदल जाएगा क्योंकि तुम्हारे सामने इस कंपनी का असल और वाहिद हकदार मैं खड़ा हूं। हकदार? हाँ
यह सब कुछ मेरा है तमीर, तुम्हें सिर्फ वक्ती तौर पर रखा गया है। मैंने इस कंपनी के लिए तुमसे कहीं ज्यादा दिन रात मेहनत की है तमीर, और तुम्हारे पास सिर्फ 20% शेयर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम आप मुझसे ये नहीं कहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं और मुझे मेरा काम करने से नहीं रोकोगे। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं कौन हूं, लेकिन वक्त आ गया है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने खड़े हो तमीर, और मुझसे मुखालफत लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। क्या हुआ है बुराक, कुछ बताओ ना हमें, क्या वो अभी तक बहुत गुस्से में है? क्या दमीर साहब ने तुम्हें भी निकाल लिया? सलीन अपना फोन भी नहीं उठा रही है, वो कहाँ पर, घर पर है क्या? सलीन पहले से बेहतर है। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ये तो बताओ ना। दमीर की कहानी जड़ से खत्म करने जा रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुराक, बुराक, क्या मतलब है कि कहानी खत्म करने जा रहे हो? तुम क्या फिर से हमें कोई नई मुसीबत में डालने वाले हो? अभी अभी तो ऐसन से जान छुटी है। पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, अब उसका यहाँ रहना मुमकिन नहीं, बहुत हो गई। वो कैसे? देखते जाओ। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो दमीर? ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने बदल गए? क्यों? काश कि ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब हो, आंख खोले और सब कुछ ठीक हो जाए। उठो तो दमीर पास हो मेरे और सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो छत से लटक कर नहीं गिरी थी, और ना ही गिरने के बाद मेरी गोद में आ गई थी, और ना ही हमारे बीच कोई ख़ास मौका आया, और ना ही एक लाल ड्रेस पहनकर घूमते हुए लड़खड़ा कर मेरे ऊपर आके गिर गई हो। तो तुम्हें लगता है कि जानबूझ के किया था मैंने वो, यानी तुम्हें मुतासर करने के लिए किया था, यही मतलब है ना तुम्हारा? सलीन ने बोरू और मेरे लिए ये सब किया, बुराक को इस कंपनी में उसका हक मिले इसलिए किया। जो फैसला करोगे उसका ताल्लुक सिर्फ काम से नहीं है, तुम ये जानते हो ना। मर्फ और बोरू में से किसी को निकाल दोगे और उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा क्या कहा उससे कि वो बेहोश हो गई? उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, तो मैं अंदाजा भी नहीं है कि वो होश में आना ही नहीं चाहती थी। हॉस्पिटल में काफी देर रही है वो। ऐसा क्या शौक दिया तुमने कि वो बेचारी अपनी आंखें तक खोलने से डर रही थी तभी? तुमने उससे ऐसा क्या कहा था? यास्मीन आप जरा कमरे में आएं। आ जाएं। जी दमीर साहब। सलीन को फोन किया आपने?
कई दफा कॉल कर चुकी हूँ लेकिन जवाब नहीं दे रही वो। बुराक साहब भी बहुत गुस्से में थे और चले गए यहाँ से। सिलीन को कुछ हुआ है क्या? ठीक तो है ना वो? ये क्या कर रहे हो बुराक? मुझे नहीं पता कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते। खैर पसंद ना करें मगर जो मेरा है वो मुझे दे दें। इस बदतमीजी की वजह जान सकता हूं मैं? मैंने जीरो से एक कंपनी खड़ी की, नौकरों की तरह काम करके इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया है और आपने आर्टेमियम को मुझसे छीन लिया। उस कुर्सी पे सिर्फ मेरा हक है, वो भी मेरे नाम की वजह से नहीं बल्कि मेरे काम की वजह से। और कोई भी मेरी कंपनी में आकर मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। सुन ले आप, किस चीज का बदला ले रहे हैं मुझसे? मैंने दमीर को आर्टेमियम का बॉस किसी वजह से बनाया है और मैंने ये मौका तुम्हें भी दिया था और अब भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा बुराक? आप जानते हैं मुझे क्या नजर आता है? एक बूढ़ा आदमी जैसे किसी की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र। अपनी बकवास बंद करो, समझे? मैंने ये सब किसके लिए बनाया है? हाँ देखो, जब वक्त आएगा तो इस कुर्सी पर तुम ही बैठोगे। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। और ये भी जानता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप तमीर को नहीं निकाल सकते, इसलिए आप कंपनी के दो हिस्से करेंगे। आप इंटीरियर आर्किटेक्चर की पूरी मैनेजमेंट मुझे दे देंगे बाबा, और बाकी चीजें दमीर संभालेगा। इक्वल पावर। लेकिन कोई वजह ना होते हुए आखिर तुम बोर्ड के डायरेक्टर्स को बंटवारे पर कैसे आमादा करोगे? कुछ सोचा है तुमने इस बारे में? अगर आपको ये याद आ जाए कि मैं आपका बेटा हूँ तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, और अगर आपने कुछ ना किया तो मुझे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। चलो उठो सलीन, जानता हूं तुम जाग रही हो। सलीन ये सही वक्त नहीं है, मैं तुम्हारे इन खेलों से थक चुका हूं। सुनो तुमने, थक चुका हूं सलीन। जानती हो ना कि मैं गुस्से में हूं? जाहिर है जानती हूं, लेकिन जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रही हो मेरे सामने। जबरदस्त सलीन, जबरदस्त, इसी की कमी थी। सलीन मैंने कहा आंखें खोलो तुम। सलीन सलीन बीस गोलियां हैं, देखता हूं कितनी खाई। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। सलीन तीन गोलियां खा ली तुमने एक साथ। उठो जल्दी उठो, चलो मेरे साथ। सलीन, सलीन, आंखें खोलो सलीन, सलीन, आंखें खोलो अपनी, सलीन, एक बार मेरी तरफ देखो, सलीन आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो, सलीन, सलीन, होश में आओ सलीन, हाँ, देखो मैं यहीं हूँ, कुछ कहो, बात करो मुझसे, सलीन, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं नहीं उठना चाहती हूँ। नहीं 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 सलीन, ऐसा नहीं कर सकती अपने साथ। ख्वाब में हम दोनों साथ हैं। सलीन 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 मुझसे बात करो, सलीन उठो, सलीन उठ जाओ, आंखें खोलो सलीन।
ख्वाब में तुम मुझे चाहते हो, मेरी फिक्र करते हो, इसलिए नहीं उठना चाहती मैं। सिलीन, 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 आंखें खोलो सिलीन, क्या हो गया तुम्हें? सिलीन, ये आप रख लीजिए, याद दिलाएगा आपको मेरी। बहुत शुक्रिया बुरु, बेफिक्र रहो, मैं मिलने आता रहूंगा। मगर आने से पहले जरूर बता दीजिएगा, आप जानते हैं डर जाता हूं मैं। अदा, तुम्हें ये बहुत पसंद था ना, ऐसा करो इसे तुम रख लो। अरे बोरो, इसकी जरूरत नहीं मुझे, अपनी नई जगह पर इस्तेमाल करना। अरे जब नई नौकरी मिलेगी तो मैं नया ले लूंगा, ये तुम रख लो, ठीक है? तो फिर मैं ये अपने लिए रख लेता हूं, ये भी अच्छा है। ये मैं यादगार के तौर पर रख रहा हूं। हाँ ठीक है। हाय, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। तुम दोनों हमेशा साथ थे, अब अकेले क्या करोगे? यास्मीन ऐसा मत कहो, ये कुर्सी खाली नहीं रहेगी, कोई और आकर बैठ जाएगा यहाँ। बोरा जाएगा तो यकीनन कोई दूसरा आ ही जाएगा। और हाँ दोस्तों, याद से बुराक और सेलीन को मेरा सलाम कह देना, समझ गए? थोड़ी देर और रुक जाते ना, वैसे भी तुम्हें दमीर सर ने आज शाम तक का वक्त दिया है। बिल्कुल नहीं आदा, उनके आने से पहले जाना है, उनका सामना नहीं करना, और यही सही रहेगा। हाँ तो दोस्तों, मुझे आप सबके साथ यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। सेलीन, चलो अब उठ जाओ, चलो सेलीन उठो, देखो तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत है, आ जाओ। सेलीन देखो, अगर तुम थोड़ी देर और इसी तरह करती रही तो मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा, डॉक्टर को दिखाना होगा। सेलीन, क्या मसला है तुम्हें? सोने दो, छोड़ दो मुझे अकेला, प्लीज जाओ। तुमसे कभी सच का सामना नहीं किया जा सकता ना, तुम मेरी तरफ नहीं देख सकती, बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? मैं नहीं उठना चाहती हूँ। हाँ बोलो ऐदा। बुराक, हम हैप्पी पाई में हैं, ऐसा करो तुम भी आ जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बस इसी की कमी थी यार। हाँ बुराक, क्या हुआ? मेरा तीर निशाने पे लगा ना? तुम दिमागी तौर पे बीमार हो, एक्सेप्ट कर लो। और तुम्हें क्या मसला है जानते हो ना? खैर छोड़ो, जवाब नहीं चाहिए मुझे। अब जल्दी से बताओ वहाँ क्या क्या हुआ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, या आकर बता दो। मैं नहीं आ सकता लारा, मैं एक छोटी बच्ची के रोने धोने सुनने के मूड में नहीं हूँ। बुराक। ओके बाय लारा। ये जो कुछ भी हो रहा है इससे मैं तंग आ गया हूँ। मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, शर्म की बात है। असल में दमीर के लिए अफसोस है मुझे, देख रही हूँ कि किसी को उसकी कोई भी परवाह नहीं है। मैं जरा लैला साहब को देख कर आता हूँ। मैं जाकर फिरोज आंटी को देखती हूँ।
तुम दोनों कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? बोरो, मर्फ, तुम दोनों इस तरह मत करो प्लीज। और अच्छा बात सुनो, हमें इस मसले का जल्दी कुछ हल निकालना होगा। तुम दोनों की शादी का एक जबरदस्त प्लान बनाया है मैंने, अब बुरे दिन खत्म हो गए। प्लीज खुश रहो ना तुम दोनों। सिलीन यहाँ क्यों नहीं आई? बस मत पूछो, वो इतनी उदास थी कि वो चली गई। सिलीन को इतना यकीन था कि दमीर साहब ये रूल खत्म कर देंगे, और हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने उनके रूम में जाकर उनसे क्या कहा। वैसे ऐसा करने की उसे जरूरत नहीं थी, बिला वजह हमारी वजह से परेशान हो गई वो भी। काश मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता, उसका अकेला रहना ठीक नहीं। बुराक उसके पीछे गया था और उसके बाद ऑफिस भी आया था, लेकिन सिलीन नहीं थी साथ। कॉल भी की लेकिन कोई जवाब नहीं। ये आदत है उसकी, अगर गुस्से में होती है ना तो कॉल नहीं उठाती किसी की। लेकिन दमीर, उसने कुछ किया? दमीर साहब का तो पूछो ही मत, पूरा दिन शदीद गुस्से में थे वो। ऊपर से सेलीन भी ऑफिस नहीं आई तो मुंह बनाकर चले गए थे। समझ गया, मैं जरा आता हूं। कैसे हो, सब ठीक है? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूं भाई। तुमसे एक काम है, तुम फारिग हो तो कहीं बैठकर बात कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर।